नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान प्रदेश के बारा जिले के अंता के अंदर, जहां पर अंता के नज़दीकी ग्राम बालाखेड़ा के अंदर एक दलित समुदाय के व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। इसी संदर्भ में स्थानीय प्रशासन को अवगत भी कराया गया, लेकिन उचित कार्रवाई न होने के कारण आज भीम आर्मी की मदद से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। किस तरह की घटना है, क्या कुछ मामला है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार की जो घटना है उसके बारे में बताइए। हाँ जी, भी है जी, बात करें। मैं बालाखेड़ा लियाकत खान ने पानी पहन लगाया था, खेत में गाँव में पानी पी लगा था। शाम के टाइम 8-9 जना आया, माइंदर पर मेरे साथ मारपीट करी। अब जो लड़ाई वाला मामला होगा तो इस दोनों लड़ने को होगा। मैं तो मेहनत गया आज भी, मैं वहाँ से भग के आ रहा था, उन लोगों ने मुझे नियाने दिया और गाली दे देगा मारा। मादर चौथ हमारे इधर और आएगा या बालाखेड़ा में तेरे कहीं और मैं हाथ जोड़े बन मेरा मध्य यार, मैं तो जा रहा हूँ, तुम दोनों पार्टी लड़ो यार, मेरा क्या मतलब। भाग के आने लगा है, आधा आदमी आगे हो गया आधा पीछे हो गया और आगे पीछे कर रहे दो तीन आदमी ने मेरा वो लाठियों से मारपीट। इसकी जानकारी आपने पुलिस थाने में दी, करवाई थी, वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? कुछ भी नहीं मिला, वहाँ थानेदार ने वो ठीक है, तो होता रहता है और दवा पट्टी करो जिसमें फायदा है कि लियाकत खान के बातों में बताओ। इस बात की जो आपकी जो घटना है इसको लगभग कितना समय होगा? ये घटना हुई थी 31 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे। कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट की? मारपीट करने में दो तीन आदमी ने करी, लेकिन वो पूरा आदमी से मेरा 8-9 आदमी थे। आपके कहीं पर चोट भी लगी? चोट लगी, मेडिकल वगैरह करवाया? मेडिकल वगैरह करवाया था डॉक्टर से, वो सब जाँच में लगवाई की रिपोर्ट में, फिर भी कुछ भी नहीं होता। आप भीम आर्मी से? कोई बात नहीं, दवा पट्टी करो, इलाज कराओ, मत करो, हो गया जो हो गया, किसी की बात मत। आपका नाम? मेरा नाम पप्पू है, 8-10 मंडल का घर में सब दुकान लगते हैं। जाति क्या है? और जाति एरवाल चमार है। तो साथ ही ये अभी हमने वार्ता की अंता के नज़दीकी ग्राम के अंदर, जहाँ पर दलित समुदाय के व्यक्ति पर हमला किया गया और लाठी सरियों से मारा गया। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, 18 दिन से ज़्यादा समय का दिन गुजर जाने के बाद भी उपयुक्त कार्यवाही नहीं हुई। उसी संदर्भ में इन्होंने भीम आर्मी से मदद मांगी और आज भीम आर्मी की सहायता से इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। तो ये हम अंता से आपको रिपोर्ट दिखा रहे। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी किस तरह का प्रदर्शन करेगी? अगर इस परेशानी में इन लोगों का अगर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है तो भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा और इनको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा पूरी। और दूसरी बात, 18 तारीख को भाई चंद्रशेखर यादव निर्णय आ रहे हैं पूरे प्रदेश में, मैं इस प्रस्ताव को रखूँगा और इनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज मैं मांगरोल ब्लॉक से पवन, मेरा स्थान रहने का स्थान सीसवाली है और मेरे साथ सहसंयोजक मेरे भाई ममतू जी आए हैं और हम आज ये अपेक्षा लेके आए हैं कि प्रशासन हमारी बात को सुने, और अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो हम हमारा कदम उठाएंगे, जो कि वो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ऐसे अत्याचारों से हमें हमारे समाज को बचाना है और मैं प्रशासन से यही निवेदन करूँगा कि इनको जल्दी से जल्दी इनका हक, इनका मान, इनका सम्मान और इनको सभी परेशानियों से और जो भी इनके साथ अत्याचार हुआ है उनका इंसाफ चाहता हूँ। और अगर ये नहीं होता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं को सूचित करेंगे, अवगत कराएंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये ये चेतावनी दी गई, अगर उपयुक्त समय पर कार्यवाही नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन संभाग और प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। साथ ही अभी जो बूंदी के नैनवा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं तो उन्हें भी इस मामले से अवगत कराया जाएगा।
तो ये रिपोर्टर मैं अंता से प्रेमशंकर